शायद ज़्यादा पड़ाकू टाइप होते होंगे, लेकिन अब नहीं लगता एक्चुअली। खुद मैं फ्रंट, मतलब मैं खुद बैठती थी पहले फ्रंट में, लेकिन बाद की क्लासेस में मैंने रियलाइज किया हाँ, और बैक बेंचर बन गई। मुझे बताओ दिमाग में पहली चीज क्या आती है जब आप सुनते हो फ्रंट बेंचर्स? नथिंग। पढ़ने लिखने वाले नर्ड, चापलूसी करते हैं टीचर्स की, लूजर्स, पढ़ाकू, पढ़ाकू टाइप के, नथिंग, स्टूडियस, पढ़ाकू टाइप, सीरियस, नर्डी, पढ़ाकू, शायद ज्यादा पढ़ाकू टाइप होते होंगे, पढ़ाकू, बस वो सोचते हैं कि हम ही हैं जो हैं। ऐसा थोड़ी है, नर्ड्स, पढ़ाकू, नर्ड्स, पढ़ाकू ही, पढ़ाकू, बोरिंग, पढ़ाकू। व्हाट अबाउट बैक बेंचर्स? चिल, हमारे जैसे, लाइक मी, तो स्टार्टिंग से ही बैक बेंच हो, मेरे जैसे, मी, नॉटी वंस, चिल, मस्ती को, मस्ती वाली जो है, पीछे आओ बैठो अपना, आने आओ, नहीं आने तो मत आओ। मतलब मैं खुद बैठती थी पहले फ्रंट में, लेकिन बाद की क्लासेस में मैंने क्रिकेट खेला। फुल मस्ती, एंजॉय एंड स्लीपिंग, फुल मस्ती, एंजॉय एंड स्लीपिंग, रियलाइज किया हाँ, और बैक बेंचर बन गई। नॉट मी, मस्ती करने वाले होते हैं, मस्ती को, पहली क्लास की एक्टिविटी पीछे से पता चलती है क्या हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं पीछे बैठती हूँ, बट मैं सारी जितना भी सर पढ़ाते हैं उसको कॉन्सेप्ट क्लियर का होना चाहिए। माय ग्रुप, माय पीपल, मेमोरीज, बच्चों, पढ़ना है तो पढ़ लिए, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, वैसे टीचर पढ़ाओ या ना पढ़ाओ, बात खत्म, शैतान, बेस्ट मेमोरीज, स्मार्ट, क्लास में मस्ती। इस घोर कलयुग में जहाँ सारे भागा दौड़ी कर रहे हैं, कौन ज्यादा कामयाब है आपके हिसाब से, फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स? बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स। आई थिंक जो क्लास में होते नहीं है, मिड बेंचर्स, बैक बेंचर्स ही सर, मेरे हिसाब से बैक बेंचर्स है, मिडिल बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, मे बी फ्रंट बेंचर्स, बैक बेंचर्स। अपनी तरफ से जो बेस्ट करे वही है मिडिल बेंचर्स, बैक बेंचर्स। क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं बैक बेंचर पे, फ्रंट वाले नहीं कर पा रहे? क्योंकि बैक बेंचर ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, दे डोंट हैव ईगो, फ्रंट वाले परेशान है, पीछे वाले परेशान नहीं है। बैक बेंचर्स आर एंटरप्रेन्योर्स, कि वो लाइफ एंजॉय भी करते हैं, सीरियस होने पे वो भी होते हैं, उनको मस्ती चाहिए, लाइफ में फन चाहिए, इसलिए वो कामयाब है। सी दे डोंट स्टडी इन द क्लास बट स्टिल दे मैनेज टू डू थिंग्स बिकॉज़ दे नो हाउ टू सॉर्ट आउट द थिंग्स इन द बेस्ट वे। कोई भी काम हो तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, हर चीज की फील्ड करते, स्पोर्ट्स वाले भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, थोड़ा हार्ड वर्क करेंगे तो आगे चले जाएंगे। अनफॉर्चूनेटली दे विल बी लाइक मोर इनटू बुक्स than rather being outside all, yeah. नहीं वो तो सोचने का फर्क है, दोनों ही कामयाब हैं। Because उनमें confidence इतना होता है कि वो दुनिया से लड़ जाएं। जो फर्स्ट वाले थे उनका क्या था भाई, बड़े वाली जॉब लेनी है, ना छोटी मिली ना बड़े वाली मिली। डिपेंड करता है, अगर आप लेट आए तो पीछे ही बैठोगे, जल्दी आए तो आगे, तो अनपढ़ हो क्या तुम, अकल नहीं है क्या? मेरे हिसाब से तो स्टूडेंट कामयाब है, ना फ्रंट वाला ना बैक वाला। Because they study also, they enjoy also. फ्रंट बेंचर्स obviously पढ़ाई में तो होते ही हैं, अगर सिंसियर है तो वो बेस्ट मेमोरीज भी बनाते हैं और अच्छे से पास भी हो जाते हैं। Because they, you know, they develop that efficiency and then they do it at the end. ये नहीं कि बस चापलूस वाले ही, चापलूस वाले तो कहीं भी नहीं रहते। कामयाब कोई भी हो सकता है जो प्रैक्टिकल है, सिंपली, चाहे वो फ्रंट बेंचर है या बैक बेंचर। बंदियां ज्यादा कौन पटाता है, बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर? बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर, मिडिल बेंचर, बैक बेंचर, सिंपली बैक बेंचर, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, श्योरली बैक बेंचर्स, ऑफ कोर्स बैक बेंचर, सो ऑब्वियस बैक बेंचर्स, बैक, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बैक बेंचर्स, सी बैक बेंचर्स यार। भाई नियत पे है शक यार, मैं बैक बेंचर में नास्तिक बंदी नहीं पटा। अच्छा हमको सिखा रही है बैक बेंचर्स, नो डाउट बैक बेंचर्स यार, नो डाउट। ऐसा क्या है बैक बेंचर में जो फ्रंट बेंचर में? कूलनेस, दे आर मोर जीनियस देन फ्रंट बेंचर्स। अरे टाइम वेले होते हैं ना, वो टाइम बहुत होता है, बैक बेंचर्स मोर टाइम अकॉर्डिंग टू हिम। एक्चुअली बैक बेंचर्स थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, वो ना मतलब ओवरऑल हर चीज में पता है उनको कैसे करना है, उनको पढ़ाई भी अच्छे से करनी आती है और लड़कियां भी बहुत अच्छे से पढ़ानी आती है। वो नर्ड है, उनको पढ़ाई से ध्यान हटे तो कहीं और लगे यार। आई गेस उन्हें ज्यादा अच्छे से पता है लड़कियों को क्या पसंद है। एक्चुअली गर्ल्स को फनी गाइज पसंद होते हैं, दे आर ऑलवेज फनी, वो बकचोद होते हैं, और लड़कियों को वही पसंद है। जब गर्ल्स टीनेज में होती है तो उन्हें बैक बेंचर्स ही पसंद आते हैं, वो बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं, पढ़ने वाले हैं कि कमजोर से मिलेंगे। दे आर लाइक chilling and stuff and the front benchers they are just like in their books, they don't have time for that thing. मतलब mature होती हैं तो उन्हें समझ में आता है कि nerds are the better for the future. Time बहुत होता है, बहुत है, मतलब पढ़ाई लिखाई तो करनी नहीं होती, ठीक है, best memories collect करते हैं और best relationship maintain कर सकते हैं। पीछे बैठने वाले की सारे मलंग मिलेंगे, कुछ लड़ाई होती है सबसे पहले फोन करा जाके पहुंच जाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, जो फ्रंट वाले होते हैं ना उनका फोकस होता है कि नहीं हमें जो लड़के हैं या फिर टीचर से वो हमें समझे कि हम पढ़ाकू टाइप है, like street. Into the books only, not even rights or something. Backbencher पढ़ाई के साथ साथ entertain भी करते हैं, इसीलिए लड़कियाँ अपने आप, लड़कियों को तो दोनों चीजें चाहिए ना। Backbencher rocks. Backbencher rocks. Backbencher rocks.